Hi, welcome to Learno English. Today, in this video, we will study about morals. This is the first part of the video entitled Moral, and in this, we will see the use of will, would, can, could, must, and out to. लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि auxiliary verbs क्या होता है. auxiliary verbs को हम लोग helping verbs के भी नाम से जानते हैं. be के अलग अलग form हैं, जैसे is, am, are, was, were, being. इसी तरह से have के भी अलग form हैं, has, had, having. do के भी अलग फॉर्म है, जैसे does, doing, done. अब हम लोग मॉडल्स ऑक्सिलरी पर वो आएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये नंबर और पर्सन के हिसाब से अपना फॉर्म को चेंज करते हैं. जैसे आई के साथ हैव होता है, जैसे आई हैव, ही के साथ हैज होता है. तो इन सारे छोटे छोटे चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना है. अब आइए हम लोग मॉडल्स के बारे में चर्चा करते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, used to, need, dare, ये सारे मॉडल्स कहे जाते हैं. मॉडल्स auxiliaries की एक खासियत है कि ये अपने फॉर्म को जेंडर या नंबर के हिसाब से नहीं बदलते हैं. ये हमेशा वही रहते हैं जो हैं. ये मॉडल्स जो हैं, यह बताते हैं कि हम लोगों का काम होगा कि नहीं होगा, होना जरूरी है कि नहीं है. अब हम लोग एक एक कर सभी मॉडल्स के यूज को देखेंगे. सबसे पहले हम लोग विल को देखते हैं. विल का प्रयोग हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में, खास करके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम लोग करते हैं. जैसे She will dance today. She जो है वो थर्ड पर्सन है और ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर है, तो इसीलिए हम लोगों ने विल का यूज किया. दूसरा, हम लोग किसी रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी विल का प्रयोग करते हैं. जैसे विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. हम लोग किसी से आग्रह कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में भी हम लोग विल का प्रयोग करते हैं. यदि हम लोगों को डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ऑर्डर, थ्रीट, इच्छा, मनसा, ये सब चीजों को यदि दर्शाना हो तो वैसे स्थिति में भी हम लोग विल का प्रयोग करते हैं. जैसे आई विल असिस्ट यू इन दिस टास्क. अब हम लोग वुड का प्रयोग देखेंगे. नरेशन पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि जहां कहीं भी डायरेक्ट स्पीच में विल हो, हम लोग अक्सर उसको वुड में बदल देते हैं नरेशन के रूल के हिसाब से. तो सबसे पहला यूज इसका वही है, टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ विल और शैल. शैल का भी कभी कभी पास्ट फॉर्म में हम लोग जो है वुड का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि शैल का प्रयोग केवल हम लोग आई के साथ ही करते हैं और विल का तो पास्ट टेंस वुड होता ही है. जैसे ही सेड दैट ही वुड किक हिम. इसके और प्रयोग को देखिए. इसका प्रयोग हम लोग हैबिचुअल एक्टिविटी जो कि पास्ट में हुआ है, पास्ट में जो हमारी जो आदत जो थी, भूतकाल में हमारी जो आदत थी, इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं. जैसे इन विंटर ही वुड स्टडी टिल लेट एट नाइट.
इन विंटर ही वुड स्टडी टिल लेट एट नाइट। ये विंटर के महीने की इसकी वो हैबिट है। हम लोग को यदि कोई सलाह देना है या किसी से रिक्वेस्ट करना है तो वैसे स्थिति में भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे वुड यू प्लीज शो मी योर मोबाइल फोन। यहां पर जो है हम लोग आग्रह कर रहे हैं या पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने इंटेंशन को, अपने डिटर्मिनेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे आई वुड नेवर लीव यू इन द प्रॉब्लम। फिर देखिए कि कोई काल्पनिक रिजल्ट या कोई जो है काल्पनिक परिस्थिति में भी हम लोग वुड का प्रयोग किया करते हैं, जैसे If you had invited me, I would have come. If you had invited me, यदि तुम invite किए होते तब, मतलब invite नहीं किए हो, it is unreal situation. In this case also, we will use would. हम लोग जो हैं can का प्रयोग देखेंगे। Can का मतलब होता है कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, क्षमता, दम भी तुम इसको आम भाषा में कह सकते हो। तो इसका पहला प्रयोग हम लोग एबिलिटी को, क्षमता को, चाहे वो क्षमता टेम्पररी हो या परमानेंट हो, इससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे आई कैन सिंग दिस सॉन्ग। हम लोग किसी को परमिशन देने के लिए या परमिट करने के लिए भी हम लोग जो हैं कैन का प्रयोग करते हैं, जैसे यू कैन शो मी योर डांस टुमारो। यहां पर कैन का यूज परमिशन देने के लिए हो गया कि ठीक है तुम अपना डांस कल दिखाना या दिखा सकते हो। सिमिलरली टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी आल्सो, या फिर संभावना को भी व्यक्त करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, जैसे एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन हर वे, रास्ते में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सो वी विल यूज कैन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी, वेदर इट इज टेम्पररी और परमानेंट। We also use can to express permission, and to express possibility also, we will use can. Then let us see the use of could. First, could is the past form of can, especially when we are changing the direct speech into indirect. Now let us see the example. He said that he could lift the box. Now it is also used to express polite request. Past tense can का past tense वो could होता है, और जब हम लोग direct speech को indirect speech में जब बदलते हैं तो उस समय जो है इसका प्रयोग हम लोग किया करते हैं, जैसे इस वाक्य में है he said that he could lift the box. पोलाइट रिक्वेस्ट को भी शो करने के लिए या आग्रह को दिखाने के लिए या किसी से आग्रह करने के लिए भी हम लोग जो है कुड का यूज करते हैं, जैसे कुड आई कम इन सर। लेकिन यहां पर कॉमनली हम लोग मे आई कम इन का यूज ज्यादा करते हैं, प्रचलन में मे आई कम इन है, लेकिन कुड आई कम इन मे आई कम इन से ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है। फिर हम लोग इसका प्रयोग परमिशन देने के लिए भी वो करते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स कुड गो टू मार्केट ऑन संडे। हम लोग इसका प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, जैसे इफ आई हैड मनी आई कुड बाय ऑर्नामेंट्स। लेकिन यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि कुड में
संभावना की मात्रा, कार्य पूरे होने की संभावना या संभावना बहुत कम ही रहती है। अब हम लोग मस्ट का यूज देखेंगे। मस्ट का मतलब ही होता है बहुत जरूरी या नेसेसिटी। तो इसका हम लोग सर्वप्रथम प्रयोग नेसेसिटी को या फिर ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जैसे यू मस्ट इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। फिर हम लोग इसका प्रयोग लॉजिकल सर्टेनिटी में भी करते हैं। लॉजिकली जब हम लोग सोचते हैं तो लगता है कि ये काम जो है वो हो चुका होगा, तो वैसे स्थिति में भी, जैसे द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, मतलब कहने वाला आदमी लगभग श्योर है, 100% श्योर है कि ट्रेन अब तक जा चुकी होगी, क्योंकि ट्रेन का टाइम जो है वो कब का खत्म हो चुका है या ट्रेन के छूटने का समय कब का खत्म हो चुका है। तो इसीलिए जो है वो लॉजिकल सर्टेनिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आउट टू के बारे में देखेंगे। आउट टू मोरल बाइंडिंग, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे यू आउट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। फिर हम लोग जो हैं इसका प्रयोग प्रोबेबिलिटी को भी, संभावना को भी दिखाने के लिए करते हैं, जैसे दिस वीडियो आउट टू बी यूजफुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो काफी फायदेमंद लगा होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मॉडल्स के बाकी हिस्से के लिए हम लोग पार्ट टू को जल्द ही ला रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।